रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। एक दौर था जब मुख्तार अंसारी का नाम सुनकर लोग सहम जाते थे, लेकिन अब ईडी की तरफ से बाहुबली मुख्तार के ऊपर जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उसे देखते ये लग रहा है कि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बाहुबली मुख्तार पर ईडी का शिकंजा, परिवार से लेकर रिश्तेदार तक सभी पर ईडी की कार्रवाई। घंटों पूछताछ के बाद नहीं कम हुई मुख्तार की मुश्किलें। गाजीपुर से लेकर पूरे प्रदेश में मुख्तार का डंका बजता था, लेकिन जब से मुख्तार ईडी के शिकंजे में आए हैं तो मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं। सिर्फ मुख्तार ही नहीं बल्कि उनके करीबियों पर भी ईडी ने नकेल कस रखी है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के साले शर्जिल रजा को ईडी ने हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक शर्जिल रजा गाजीपुर जिला जेल में बंद था। एक हफ्ते पहले ही मुख्तार का साला जमानत पर बाहर आया था। वहीं ईडी की टीम शर्जिल रजा को लेकर गाजीपुर से प्रयागराज रवाना हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक शर्जिल रजा को मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में लिया गया। क्या परिवार, क्या रिश्तेदार, हर किसी पर ईडी ने अपनी निगाहें गड़ाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ईडी ने अब्बास अंसारी से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद अब्बास अंसारी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अब्बास से पूछे गए सवालों में उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जिस पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले भी अब्बास से कई बार पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें पहली बार पूछताछ 20 मई को की गई थी। जानकारी के मुताबिक ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ पिछले महीने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं। गौरतलब है कि इस साल 25 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़ा घोषित करने के पीछे अब्बास का कोर्ट में नहीं पेश होना था। मुख्तार के बेटे अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई मामले दर्ज। अभी भी मुख्तार पर ईडी की निगाहें टिकी हुई है। उनके परिवार से लेकर रिश्तेदारों तक सभी पर कार्रवाई जारी। भले ही मुख्तार जेल में हैं, लेकिन उनके जेल में रहने के बावजूद भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस